चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट साइंस का 5th चैप्टर है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हालांकि इजी भी बहुत है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अगर हम लेफ्ट से राइट एक पीरियड में जाते हैं तो उस केस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए नंबर है द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, एलिमेंट जो है लेस मेटेलिक हो जाते हैं। तो अब तुम लोग जानो क्या होता है। बी है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। सी है द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर ईजली, तो क्या जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को ईजली मूव कर पाते हैं, लूज कर पाते हैं। एंड डी द ऑक्साइड बिकम मोर एसिडिक, तो इसका आंसर देख लिया होगा, आंसर अभी चेक करते हैं। आंसर है सी, मीन्स इलेक्ट्रॉन ईजली मूव करते हैं, एटम्स ईजली इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, ये बात सही नहीं है, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोबेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। सेकेंड है एलिमेंट एक्स जो है कोई क्लोरीन के साथ, एलिमेंट एक्स क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है HClO2, तो एक्स यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन दो है, तो ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जिसकी वैलेंसी दो होती होगी। तो इसमें से देख लो, चेक करते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक नंबर 12 होता है, तो 2, 8 एंड लास्ट ऑर्बिट में 2 होता है। विच एलिमेंट हैज़, तो इसमें बताना है। अब ये मेरे ख्याल से MCQ तो नहीं है, प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है कि एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जिसमें 2 सेल्स हो, बोथ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ, और दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन से। तो 2 सेल लिख दो, 1 और 2, एक में 2 डाल दो, कम्प्लीटली फिल्ड के लिए 8 लिखना होगा। इस तरह से चेक कर लो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8 2, उस एलिमेंट का नाम बताना है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 हो। तो 2 8 12 होगा, 12 किसका होता है मालूम होगा। सी अ टोटल ऑफ 3 सेल्स होने चाहिए विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, तो 3 सेल्स होने चाहिए, 1 2 3 फर्स्ट में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए, तो लास्ट में 4 डाल दो, फिर 8 डाल दो, 2 डाल दो, जितना होगा। डी नंबर है टोटल ऑफ 2 सेल्स विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल का मतलब होता है आखिरी सेल, लास्ट सेल, लास्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे उसमें 3 होना चाहिए, तो 1 2 होगा, लास्ट ऑर्बिट में 3 डाल दो, इसमें 2, तो जो भी हो। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में जितना होगा उसका डबल, तो फर्स्ट सेल में 2 ही होना चाहिए, तो सेकेंड में डबल 4 होगा, तो कितना होगा, 6 होगा। तो ये सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट है, ये भी MCQ नहीं है, ये भी प्रैक्टिस के लिए, कि व्हाट प्रॉपर्टी डू द ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम, मतलब सेम कॉलम में जो एलिमेंट होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो बोरान है, तो उसके नीचे वाला एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी होगा, है ना। ग्रुप किस कॉलम का मतलब ग्रुप किस बात को शो करते हैं। बी ए व्हाट प्रॉपर्टी डू द ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियाडिक टेबल एज फ्लोरिन, फ्लोरिन के नीचे वाले ग्रुप में, उस कॉलम में, उस ग्रुप में जो एलिमेंट होगी उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ हम देख लेते हैं, आंसर दिया हुआ है, देख लेना, इजी है। 5th नंबर है, ये भी MCQ नहीं है। एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन 287, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो सबको ऐड कर दो, एटॉमिक नंबर आ गया। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर, तो कौन कौन केमिकली सिमिलर है, तो देख लो। केमिकली सिमिलर के लिए इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन करना पड़ेगा, उसमें सिमिलरिटी पता चल जाएगी इन चारों में कौन सिमिलर है। नेक्स्ट, अब यहाँ से MCQ फिर से आ गया। एन एलिमेंट हैज़, एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर 15 है, तो इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी इनमें से किस एलिमेंट से मैच करेगी। बहुत इजी है, पीछे देख चुके हैं।
ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, एट किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर क्या होगा? इजी है, कॉन्फ़िगरेशन करके पता चल जाएगा। 6 एंड 2, ये जो लास्ट ऑर्बिट में नंबर होता है ये उसके ग्रुप को बताता है, और ये जितने ऑर्बिट है जैसे यहाँ 1 2, तो ये पीरियड को बताता है। एन एलिमेंट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड और सेकेंड ग्रुप का है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स उसमें कितने होंगे? इजी है वैसे। इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, थर्ड पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होगा? तो साइज जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज। तो सबसे कम तो क्लोरीन का होगा, ऑर्गन का उससे कम होगा, सबसे कम ऑर्गन का होगा, देन क्लोरीन, देन सल्फर, और सबसे ज़्यादा बड़ी साइज होगी सोडियम की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al3, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है तो 283 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 लगा, मीन्स वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो वो 3 निकाल दो तो 28 होगा। आइडेंटिफाई द ग्रुप विच इज नॉट अ डोबेरनियर ट्रायड, अब डोबेरनियर जो ने जो ट्रायड बनाया था उसमें कौन इनमें से नहीं है, तो पढ़े होगे बता दो, यह है बी। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबल गैसेज, नोबल गैसेज के केस में क्या बात सही नहीं है, तो पढ़े हो कि ये नॉन मेटेलिक इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ज़ेनॉन इज द मोस्ट इलेक्टिव अमॉन्ग दिस, दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, दे होना चाहिए। सी, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये ट्रू नहीं है। ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग सिक्वेंस ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप, रॉन्ग सिक्वेंस क्या है, तो ग्रुप में रॉन्ग सिक्वेंस क्या है, तो एटॉमिक अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो बता सकते हो, नहीं पढ़े हो तो इसको पॉज कर लो, फिर चेक कर लो, फिर बताओ। एन एलिमेंट विच एटॉमिक नंबर विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड, एक ऐसा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो ये जो बेसिक बेसिक यहाँ लिखा है, यहाँ पे कोई मेटल होना चाहिए, तो इनमें से कौन सा मेटल है?